जय हिंद एवरीवन। माई सर एक्टिंग कैडेट वारंट ऑफिसर हर्षित कुमार ऑफ नंबर 4 पीवी ए स्क्वाड एनसीसी लुधियाना। एज वी ऑल नो आवर एनसीसी क्लासेस आर स्टार्टेड थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड वीडियोस, सो टुडेज लेक्चर इज अपॉन टर्निंग मोमेंट्स। टुडे आई विल कवर दाहिने मुंडा, बाएं मुंडा, पीछे मुंडा, आधा दाएं मुंडा और आधा बाएं मुंडा। सो ऑल दिस टर्निंग मोमेंट्स are done in Savdhan position, and after turning you still remain in Savdhan. There is no extra movements, only the movement done is through your legs. Let's start with Dahine Munna. Iski zarurat kya? Iski zarurat hai ki jab hame apni formation ko 90 degree ki or Dahine Munna hota hai to hum Dahine Munna ki karwai karte hain, aur ginti se iska namuna dete hue jab word of command milti hai ginti se Munna Dahine Munna ek to aapko apne दाहिने पैर की एड़ी और बाएं पैर के पंजों पे तेजी से दाहिने मुड़ना होता है 90 डिग्री पे, कुछ इस तरह। गिनती से मुड़ना दाहिने मुड़ एक, तो इसमें एक स्विफ्ट और तेज फास्ट मूवमेंट होती है अपने एड़ी और पंजों से, जैसे कि मैंने बताया दाहिने पैर की एड़ी और बाएं पैर के पंजे कुछ इस तरह। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसमें देखने की बातें ये हैं, सबसे पहले कि आप कंप्लीट करने के बाद आपका जो दाहिना पैर हो पूरी तरह ज़मीन पे हो और आपका बाएं पैर की एड़ी हवा में हो, कुछ इस तरह। दूसरी बात यह है कि आपके शरीर का सारा वजन आपके दाहिने पैर पर होना चाहिए। एंड द थर्ड पॉइंट इज़ आपकी टांगें कसी हुई होनी चाहिए बिल्कुल टाइट, इससे आपको अच्छा बैलेंस मिलेगा। और जब वर्ड ऑफ कमांड मिलता है दो, तो वर्ड ऑफ कमांड मिलते ही आपको अपना बायां पैर आगे लाना है ज़मीन से कम 6 इंच ऊपर, या अपने बॉडी से 90 डिग्री बनाता हुआ, और इसको अपने दाहिने पैर के साथ सावधान पोजीशन पर रखना है। तो ये कुछ इस तरह होता है। तो ये था आपका गिनती से नमूना। नॉर्मली हम इसको एक साथ करते हैं और इसको करने की टाइमिंग होती है एक तो तीन एक, और ये टाइमिंग कुछ इस तरह हम फॉलो करते हैं। पहले एक पे हमको अपना दाहिने मुड़ एक करना होता है कुछ इस तरह, एक दो तीन एक। पहले एक पे आपको मुड़ना है 90 डिग्री पे अपने हील एंड टोस से, और दो तीन के बीच में आपको अपना पीछे वाला पैर आगे लाना है 90 डिग्री बनाता हुआ, और अगले एक पे एक होते ही अपने पैर स्टैंडिंग करने हैं अपने दाहिने पैर से मिलाते हुए और सावधान पोजीशन पे आ जाना। तो ये था हमारा दाहिने मुड़ना। एक बार मैं आपको पूरा करके दिखा देता हूँ। दाहिने मुड़ एक दो तीन एक। तो ये होता हमारा दाहिने मुड़ना। तो नेक्स्ट इज बाएं मुड़ना। इसकी जरूरत ये है कि हमें अपनी फॉर्मेशन को जब 90 डिग्री बाएं ओर मुड़ना होता है तो बाएं मुड़ की कार्रवाई की जाती है। इसके लिए गिनती से नमूना कुछ इस तरह है। जब वर्ड ऑफ कमांड मिलता है गिनती से मुड़ना बाएं मुड़ एक, तो ठीक दाहिने मुड़ने की तरह इसमें थोड़ा उल्टा होता है। इसमें आपको अपने बाएं पैर की एड़ी और दाएं पैर का पंजे से आपको तेज़ी से 90 डिग्री मुड़ना होता है और शाउट करना होता है एक, कुछ इस तरह। गिनती से मुड़ना बाएं मुड़ एक एक। इसमें देखने की बातें सेम है कि आपका बाएं पैर पूरी तरह ज़मीन पर हो और दाएं पैर की एड़ी हवा में हो, आपका शरीर का सारा वजन बाएं पैर पर हो और आपकी टांगें कसी हुई हो। ये हमारी तीन देखने की बातें नॉर्मली हर एक मुड़ने की टर्निंग मूवमेंट्स में होती है। इसके बाद आपको वर्ड ऑफ कमांड मिलेगा दो, और वर्ड ऑफ कमांड सुनते ही आपका जो पीछे वाला पैर है यानी कि दाहिना पैर, उसको आपको उठाना है ज़मीन से कम 6 इंच, और साथ ही आपका यहाँ पे 90 डिग्री बनता हो और आपको प्लेस करना है अपने बाएं पैर के साथ वापस सावधान मोशन पे आ जाना। तो एक बार इसको हम एक साथ करके दिखाते हैं। गिनती से मुड़ना पाई मोड एक पाई मोड दो। ये हो गया आपका बाएं मुड़ना, और इसको भी हम एक साथ करने के लिए सेम टाइमिंग फॉलो करते हैं एक दो तीन एक। और इसको करने का भी सेम तरीका जैसे हम दाएं मुड़े थे
इसमें हमको बाय मुंडा होगा बस, और इसको मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। बाय बट एक दो तीन, तो ये है आपका बाय मुंडा। इसी के साथ हम तीसरा पार्ट शुरू करते हैं जो कि है पीछे मुंडा। इसकी ज़रूरत यह है कि जब हमें अपने फॉर्मेशन को 180 डिग्री पीछे मुड़ना होता है तो हम पीछे मुड़ने की कार्रवाई करते हैं। इसके लिए गिनती से मुड़ना कुछ इस तरह है, जब वर्ड ऑफ कमांड मिलता है गिनती से मुड़ना आप पीछे मुड़ एक, तो आपको अपने दाहिने पैर की एड़ी और बाएं पैर के पंजों से अपनी बॉडी को 180 डिग्री पीछे घुमाना होता है कुछ इस तरह। तो ये थी आपकी एक की पोजीशन। इसमें देखने की बातें ये हैं, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज हमेशा पीछे मुड़ की कार्रवाई अपने दाहिनी ओर से होती है, कभी लेफ्ट से नहीं जाना, ऑलवेज फ्रॉम राइट। ठीक है, ये दाएं मुड़ की तरह ही है पर इसको हमें 90 डिग्री और खींचना होता है। तो साइंस वाले होंगे समझ रहे होंगे। तो इसके बाद आप इसमें देखने की बातें कुछ ये हैं कि एक कंप्लीट होने के बाद आपका जो दाहिना पैर है वो पूरी तरह ज़मीन पर हो और बाएं पैर की एड़ी हवा में हो और आपका शरीर का सारा वजन आगे वाले पांव पे हो, यानी कि अपना दाया पैर, और आपकी टांगे पूरी तरह कसी हो, और सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी जो दोनों थाइज़ हैं, थाइज मसल, वो अच्छे से लॉक हो एकदम टाइटली। इससे क्या होगा, आप गिरोगे नहीं और एकदम अच्छे से मूवमेंट स्विफ्टली हो जाएगी कुछ इस तरह। गिनती से मुंडा पीछे मुड़ एक, ये थी आपकी पीछे मुंडा एक की कार्रवाई। इसके बाद जब आपको वर्ड ऑफ कमांड मिलता है पीछे मुंडा दो, तो आपको उसके साथ ही आपको जो पीछे वाला पैर है यानी कि बायां पैर, उसको हवा में उठाना है जमीन से कम 6 इंच ऊपर और अपने बॉडी से 90 डिग्री बनाता हुआ कुछ इस तरह। मैं यहाँ से दिखा देता हूँ आपको कुछ इस तरह, और आपको अपने दाहिने पैर के साथ उसको मिलाते हुए वापस सावधान पोजीशन पे आ जाना। इसको मैं आपको पीछे से करके दिखाता हूँ ताकि अच्छे से आपको समझ जाए। पीछे मुड़ना पीछे मुड़ एक, पीछे मुड़ दो, तो ये थी आपकी पीछे मुड़ की कार्रवाई। इसको भी एक साथ करने के लिए सेम टाइमिंग फॉलो करते हैं, एक दो तीन एक। तो इसको मैं आपको करके दिखाता हूँ, पीछे मुड़ एक दो तीन। तो ये थी आपकी पीछे मुड़ की कार्रवाई। इसके बाद आता है आता दाहिने मुड़ना। ये बिल्कुल दाहिने मुड़ने के जैसे ही है, आपको अपने दाहिने पैर के एड़ी और बाएं पैर के पंजों से 90 डिग्री के बजाय 45 डिग्री मुड़ना है, यानी कि 90 जो हम पहले मुड़ रहे थे 90 डिग्री उसका आधा ही मुड़ना है कुछ इस तरह। और ये काफ़ी फास्ट मूवमेंट्स होती हैं लाइक दिस। इधर से मुड़ना आधा मुंड दाएं मुंड एक, और जैसे ही अगला कमांड आता है दो, आपको अपने पीछे वाला पैर यानी बाएं पैर को ज़मीन से उठाना है ज़मीन से करीब 6 इंच ऊपर और अपने बॉडी से 90 डिग्री बनाते हुए अपने दाहिने पैर के साथ सावधान पोजीशन पे प्लेस करना है। तो ये थी हमारा आधा दाहिने मुंडा। ठीक इसी तरह होता है आधा बाएं मुंडा, जो कि आपके सावधान पोजीशन शुरू होगा, कमांड आएगी गिनती से मुंडा आधा बाएं मुड़ एक। तो इसमें आपको अपने बाएं पैर की एड़ी और दाहिने पैर के पंजे से मुड़ना है, और इसमें भी देखने की सेम बात है कि आपका वज़न बाएं पैर पे हो, एड़ी पीछे वाली हवा में हो और टांगे कसी हुई है। और वर्ड ऑफ कमांड दो मिलते ही आपको अपने पीछे वाला पैर यानी दाहिना पैर हवा में उठाना है 90 डिग्री बनाते हुए या ज़मीन से 6 इंच ऊपर और अपने सावधान पोजीशन पर वापस स्टैम्प करना है। तो ये थी हमारा टर्निंग मूवमेंट्स कंप्लीट होते हैं। और आधा दाएं और आधा बाएं मुड़ने में सेम टाइमिंग करते हैं, जब एक साथ करते हैं एक दो तीन एक। लेट मी शो यू, आधा दाएं वो एक दो तीन एक, ये हो गया आधा दाएं, और इसके बाद आधा बाएं का, आधा बाएं वो एक दो तीन एक। ऑलवेज रिमेंबर टर्निंग मूवमेंट्स आर वेरी क्विक एंड शार्प, और इसमें अपर बॉडी की कोई मूवमेंट नहीं होती,
आपका नेक, आपकी चेन, आपकी आईज हमेशा एकदम स्टेबल होती है अपने हाइट के हिसाब से, सिर्फ मूवमेंट होती है आपके लेग्स की। आज बिल्कुल बॉडी के साथ चिपके हुए, जैसे सावधान पोजिशन में हमने लास्ट क्लास में सीखा था, ठीक इसी तरह। ये बहुत ही फास्ट एंड क्विक मूवमेंट्स है, जितना अच्छे से आप इसको प्रैक्टिस करेंगे और पॉलिश करते रहेंगे साथ ही साथ, ये आपको और मदद करेगी आगे सर्टिफिकेट्स में अच्छे मार्क्स लाने के लिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद।